हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नया माउथॉर्गन लेसन लेकर। और आज का जो लेसन है, जो गीत मैंने चूज़ किया है, वो एक बहुत ही पुरानी फिल्म है, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत, फिल्म झुमरू से, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। बहुत ही मधुर गीत, किशोर कुमार जी का बहुत ही टैलेंटेड सिंगर थे हम जानते हैं। और इस गीत की हालांकि किसी व्यूअर की अब तक की फरमाइश नहीं है, लेकिन ये गीत मेरा भी पसंद का गीत है। मैं आपको इसके नोटेशंस दे रहा हूँ आज, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा गीत ये। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बजा कर दिखाता हूँ, और उसके बाद हम इसको सीखते हैं नोटेशंस के सहारे बजा कर। तो इस तरह का गीत है ये। और चलिए इसका मुखड़ा हम लोग क्विकली शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम का असर है, मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी सी भारी लग रही होगी, पर फिर भी लेसन मैंने तैयार किया आपके लिए, तो बहुत ही अच्छा गीत है। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ये हम लोग बिल्कुल मिडल ऑक्टेव का जो सा है, सी का नोट, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। सी की का हारमोनिका पे मैं आपको लेसन दे रहा हूँ। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ये पहली लाइन, सा सा रे ग, मा पा मा ग रे ग मा रे, सा सा रे ग मा पा मा ग रे ग मा रे। इसके बाद एक फिलर होता है, फिलर मतलब म्यूजिक का वो पीस होता है जहाँ से हम वापस एक स्वर से दूसरे स्वर तक चले जाते हैं, और फिर वहाँ से गाने की दूसरी लाइन शुरू करते हैं। तो इसमें क्विकली आपको पम ग रे सा पहली लाइन बजाकर पम ग इस तरह से, ये लाइन खत्म होगी उसके, पम ग रे सा, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी, सा ग प, एक एक स्वर छोड़ के, सा ग प प ध, धनी ध प, धनी ध प म प ग, सा ग प प ध, धनी ध प म प ग।
इसके आगे लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, ये फिर उसी पहली लाइन की तरह सा सा रे ग मा पा मा ग रे ग मा रे प म ग र सा। ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी, सा ग प प ध धनी ध प म प ग। इस तरह से मुखड़ा कंप्लीट होगा और उसके बाद छोटा सा एक म्यूजिक पीस आप बजा सकते हैं इंटरल्यूड की तरह, जो अच्छा लगेगा सुनने में। ये गाना माउथ ऑर्गन पे बजाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और सिंपल सा गीत है, कहीं भी आप देखेंगे स्लाइडर प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है इन नोटेशंस में। तो म्यूज़िक पीस आप मुखड़े के बाद इस तरह से बजाइए। ग आगे चला जाता है हायर ऑक्टेव का ग। प प ग प म। अब मैं उतनी ऊंची आवाज में गा भी नहीं सकता हूं आपको, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। म भी आगे का यानी कि ग के बाद का हायर ऑक्टेव का म। और प प ग प म प प, इसके आगे प फिर लगाइएगा आप। वो मैं आपको बजा कर ही दिखाता हूँ, मैं गा नहीं पाऊंगा, गाने से बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि ऊपर का प है ये। पहली लाइन प प ग प म प प प प। तो आप स्क्रीन पर नोटेशंस देखकर बजाने की कोशिश कीजिएगा और जो मैंने बताया तो अच्छा लगेगा इसको। और मेरे गाने को एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं इतने हायर नोट्स पे नहीं गा सकता हूँ, मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। और इसके बाद आप इसका अंतरा पार्ट शुरू कीजिए प नोट से। सारे हसी नजारे, आज मेरी आवाज भी ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा उसके लिए। सारे हसी नजारे प प प ग रे सा प प प प ग रे सा प। सपनों में खो गए प प प ध रे ग सर रख के आसमां पे ग म ध ध ध ध स नि ध नि ध ध स नि ध नि ध। धनी सानी रे नी ध प पर्वत भी सो गए धनी सानी रे नी ध प। इस तरह से दूसरी लाइन फिर मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्ता सानी ध नी ध प
मगरे रे ग म प सा नी ध नी ध प मगरे रे ग म प। जिसको सुन कर मिले चैन मुझे मेरी जान सा नी ध नी ध प ग म प। जिसको सुन कर मिले चैन ग म प मुझे मेरी जान ग म प धनी सागर है मंजिल है अनजानी पधा पामा गरे मंजिल है अनजानी। इसके बाद मुकड़े पे आ जाइए। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी सा सा रे ग म प म ग रे ग म रे। तो इस तरह से मुकड़ा और एक छोटा सा इंटरल्यूड पीस, थोड़ा सा फिलर म्यूजिक और साथ ही इसका अंतरा, इतना नोटेशंस मैं आपको दे रहा हूँ इस गीत के। गाना पूरा है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा गीत है और माउथ ऑर्गन पे बजाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और सुनने में बहुत ही सुरीला लगता है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप बजा पाएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस जो अच्छे लगे उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, मेरा भी हौसला बढ़ाइए और अपनी फरमाइशें अपने कमेंट्स ज़रूर भेजते रहिए। जो गीत मेरी और आपकी दोनों की पसंद से मैच करते हैं वो मैं पहले लेने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए आसान है, और जो बिल्कुल नए गीत हैं और जिनको मैंने कभी ज़्यादा सुना नहीं है और ज़्यादा बजाया नहीं है तो उनको मैं बाद के लिए रख रहा हूँ, मैं बाद में ट्राई ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं वैसे गीत जो मेरे भी सुने हुए हैं और आपके भी पसंद के हैं ऐसे गीत में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक हो सके मैं आपको सिंपल नोटेशंस दे रहा हूँ और इन्हीं नोटेशन के सहारे आप अगर गिटार बजाते हैं या आप कीबोर्ड बजाते हैं तो वायलिन बजाते हैं तो उस पर भी आपको यही स्वर इन्हीं नोट्स से बजा पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और अगले वीडियो में एक नए गीत के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।